आप त्यौहार शांति से मना पाएं, जश्न का लुत्फ ले पाएं, आपके आनंद में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए खुफिया एजेंसियों से लेकर सेना और पुलिस के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। यहां तक कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी जयपुर में कैसी है तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र से इनपुट है, बॉर्डर पार के दुश्मनों की नजर है, पर देश को नजर न लगे इसकी पूरी तैयारी है। खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, सेना और पुलिस सतर्क है। केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रदेश के हर जिले में पुलिस होटल गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जांच कर रही है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ती जा रही है। सभी हाईवे और नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर हर वाहन की गहन जाँच की जा रही है। दीपावली के मद्देनजर सभी डीसीपीज और एसपीज को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर रखे हैं कि उनको पूर्णतया और एक तरह से सबसे सजग पुलिस व्यवस्था जो हो सकती है उस प्रकार की व्यवस्था रखनी है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, आरएसी, होमगार्ड या हमारे पुलिस की फोर्स है वो उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। वहीं देश के भीतर अगर कोई देश का दुश्मन छिपा है तो उसकी भी खैर नहीं। सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जयपुर की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सभी पुलिस उपायुक्तों को अतिरिक्त जाब्ता उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न थानों के साथ ही आरएसी, हडी रानी बटालियन, क्यूआरटी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। लगातार गश्त की जा रही है प्रमुख बाजारों में। सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पूरे कमिश्नरेट के अंदर कमिश्नरेट की जो टीम है वो टॉप टू बॉटम तक सभी पूरे सतर्क होकर काम कर रहे हैं। और अभी एडिशनल डीसीपी लेवल पे, एसीपी लेवल पे और एसएचओ और इंस्पेक्टर्स और उसके अलावा भी जाप्ता रिजर्व पुलिस लाइन से सभी डीसीपी को दिया गया है। और अगले 5 दिन के लिए करीब 2,500 के करीब जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अन्य अधिकारी का डिप्लॉयमेंट होगा। इसके अलावा जो निर्भय स्क्वाड है वो भी जहाँ पे भीड़भाड़ वाली जगह है, जहाँ पे महिलाएं हैं और मार्केट है, वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। उस देश की सरहद और सरहद के भीतर एक एक इंच जमीन को कोई छू भी नहीं सकता। जब सरहद और सरहद के भीतर तैनात है हर वक्त जागती आंखें और उन आंखों वाले वर्दीधारी देह, मानो हर बार की तरह फिर एक बार ये कह रही हो आप सुरक्षित थे, हैं और रहेंगे। खुलकर मनाइए दिवाली, हैप्पी वाली दिवाली। समाचार प्लस के लिए यादवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।